जून का महीना, जून 2020 का महीना सभी राशियों के लिए मंथली हॉरोस्कोप आपके सामने प्रस्तुत है। हम बात करेंगे ये महीना कैसा रहेगा। शुरू करते हैं एरीज से, यानी कि मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के साथ में इस बार घर पे ध्यान देने वाली बात है। अभी तक आप जो है बाहर की तरफ फोकस करते रहे हैं, इस महीना आप अंदर की तरफ फोकस करेंगे, यानी घर की तरफ फोकस करेंगे। और इस महीना आप थोड़े से आप किसी ऐसे से भी सामना हो सकता है जिसके सामने आप थोड़ा सा शाई महसूस करें, थोड़ा सा आप एक तरीके का मतलब थोड़े से आप शर्मीले स्वभाव का आपका जो सामने आएगा, पर एक रूप सामने आएगा इस महीना। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए महीना कैसा रहेगा, तो इस महीना आप किसी प्रकार के टेम्पटेशन से बचें, किसी प्रकार के लालच ग्रीड और आप इनसे दूर रहें, लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक एक आप आउटलुक जरूर रखेंगे आप इस महीना, और बहुत सारी चीज़ों से आप समय से पहले ही बच जाएंगे उनमें फंसने से, कोई ना कोई आपको बचा लेगा। अगली राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने आसपास के लोगों की केयर करें और किसी भी तनाव में ना फंसे, ओके। और बेसिकली मनी वगैरह सब कुछ आपको आज सभी आपको इस महीना मिलेगी। ऑफर्स और जो आपको एक वर्क की चेंज करने की, जो काम को जो चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपके सामने भरपूर आएंगी। आप फ्लर्ट भी करेंगे आप इस महीना और आप जो है इंजॉय भी करेंगे इस महीना, तो हैव अ गुड फन। एंड अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा एक लंबे चौड़े प्लानिंग वाले गेम्स खेलने का साथ है, ओके। आप इस महीना भरपूर प्लानिंग के साथ आप उतरेंगे और आप विजयी होकर के निकलेंगे। हल्के धीमे धीमे काम करेंगे, आपकी स्पीड स्लो होगी जो भी आप काम करेंगे, लेकिन आप एट द एंड ऑफ इट आप विनर बन के निकलेंगे आप इस महीना। अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना, जून 2020 का महीना सोना चांदी ये खरीदारी का महीना रहेगा। इस महीना आप जो है कुछ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल या एक्सपेंसिव कुछ आप चीज़ें खरीदेंगे आप इस महीना। आपके पास पैसा भी है और आप दूसरे लोगों पे दया भी दिखाएंगे आप इस महीना, और लोगों को चैरिटीज़ में भी आप हिस्सा लेंगे। अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जून के महीने में थोड़ा सा सुस्त शुरू होंगे, ओके। थोड़ा सा आपके लिए आराम देने का आरामदायक वक्त है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, और इनफैक्ट ये नॉर्थ में तो ये गर्मी का समय है, तो थोड़ा सा आप बिल्कुल इंडोर लाइफ बिताना चाहेंगे और एक अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है जून के महीने में। अगली राशि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले भाई अपने आप को कोसना छोड़ दीजिए, आपका हर चीज़ में आपका फॉल्ट नहीं है, ओके। कुछ चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे, कुछ चीज़ नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा आप उसकी टेंशन ना लें और एक सही पाथ पर चलें, और ये जून 2020 का महीना आपको इनफैक्ट बिल्कुल एक सही पाथ पर ही रखेगा। पैसा धन मनी कोई टेंशन नहीं है आपको, बस आपके लिए डायरेक्शन की प्रॉब्लम आपकी इस महीना सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले देखिए, अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आप उसमें से आप थोड़ा सा नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही काम किया है तो आपको जो है उसका फल भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। इस महीना आप बड़े ही ऑर्डिनरी टाइप के इश्यूज़ में आप फंसे रहोगे, ओके, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से आप अपने आप को निकाल भी पाओगे आप। अगली राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जो भी काम करते हैं एकदम परफेक्टनेस के साथ काम करते हैं। इस महीना आप कोई पुरानी प्रॉब्लम को बिल्कुल आप एक सामने से आप पकड़ेंगे, ठीक है, और सामने से आप उसको आकर के सॉल्व करेंगे। इस महीना आपका जो कैरिज्मेटिक जो आपका एक ऑरा है वो भी आपका बना रहेगा, लोग बाग बिल्कुल आपके प्रभाव में बिल्कुल आएंगे। नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा हार्ड वर्क का है, लेकिन इस हार्ड वर्क में आप एग्जॉस्ट बिल्कुल ना हो जाए, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि डिमांड्स लाइफ की बढ़ती जा रही हैं, थोड़े से खर्चे ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी अनुपात में आपके एक्सपेंसेस या आपकी जो अर्निंग भी बढ़ेगी। चिंता ना करें एंड आप नर्वस ना हो एंड एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन।
एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा आप नहीं देख पाएंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या आने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने जा रही हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स या कई सारे काम आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपके पास रियल नॉलेज है। ओके, जस्ट अपना ख्याल रखिए और चीज़ें बिल्कुल होती चली जाएंगी। आप इस महीना हंसी मजाक व्यंग्य हास्य व्यंग्य में भी आप काफ़ी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट राशि, लास्ट राशि है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए लगता है कि भाई कुछ चीज़ें मतलब अजीब सी एक स्थिति हो रही है पीछे कहीं पे, जो कि समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। ओके, नाउ आपको लग रहा है कि कुछ एक फ्रेश चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है तो एक नया चेंज और एक नए एनवायरनमेंट को आप वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए, जो कि हर तरीके से पॉजिटिव है। कुछ लोगों को पाइसिस राशि यानी मीन राशि वाले लोगों को ये महीना उनके जन्म स्थान से भी दूर लेकर के जाएगा। कुछ का जॉब चेंज भी होगा और कुछ के लिए ये सब क्या, और लेकिन आप पाइसेस राशि यानी मीन राशि वालों के लिए कोई भी चेंज इस समय अगर करेंगे तो आपके लिए फायदे का साबित होगा। इसी के साथ में मैं ये ख़त्म करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस जून 2020। ऑलराइट देन, बाय बाय।